नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमए नेटवर्क और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो माहौल बना हुआ है, मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस। इसमें जो है कानूनी जो प्रक्रिया होती है, कानूनी जो नियम होते हैं वो क्या है, आज हम इस वीडियो में उसी पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 40-45 दिन से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जाँच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन इसके बाद बिहार में भी एक FIR दर्ज हुआ उनके पिता के तरफ से, जिसके बाद मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में टकराव का स्थिति पैदा हुआ। क्योंकि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में एक FIR दर्ज कराया तो उसके बाद फौरन जो बिहार की पुलिस है वो मुंबई पहुंच गई जांच पूछ करने के लिए और कई लोगों से पूछताछ भी की, जिसके बाद से सीधे सीधे टकराव देखने को मिला बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में। तो इसमें कानूनी जो प्रक्रिया है, जो नियम है वो क्या कहता है कि मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत के पिता बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में जो है मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, किसी के ऊपर FIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जो वहां पर पुलिस का प्रक्रिया होता है तो उनको क्या करना होता है कि आपने अगर FIR दर्ज कर लिया और ये मामला आपके प्रदेश के बाहर का है, किसी अन्य प्रदेश का है, या फिर जिस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है उस पुलिस स्टेशन से अगर बाहर की बात है, अगर दूसरी पुलिस स्टेशन पर उसकी जांच बूझ हो रही है तो जिस पुलिस थाने पर इसकी FIR होती है तो वो क्या करते हैं, वहां पर 0 FIR करके उस FIR को संबंधित जो है पुलिस स्टेशन होते हैं, जो थाना होते हैं, चाहे उसी प्रदेश में हो या फिर किसी अन्य प्रदेश में हो, तो वहाँ पर जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनके बयान जो होते हैं FIR दर्ज करने वाले, उनके बयान भी जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 0 FIR के तहत। लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने खुद जो है फुल FIR दर्ज कर लिया और उसके जांच बूझ के लिए, उसके अनुसंधान करने के लिए खुद जो है मुंबई रवाना हो गए, जो कि संविधान में बिल्कुल भी इसमें जो है व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें तो पहले ऐसी एक व्यवस्था थी कि जहां पर अगर मान लीजिए ये क्राइम मुंबई में हुआ है और किसी ने बिहार में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है, FIR दर्ज कराई है, तो बिहार पुलिस भी इस पर जाँच बूझ कर सकती थी। लेकिन इसमें जो है संशोधन करके कानून में ये कर दिया गया कि सिर्फ वही पुलिस स्टेशन अनुसंधान कर सकती है, जांच बूझ कर सकती है जहां पर ये मामला हुआ होगा, जहां का ये केस होगा। तो इसके बाद जो है बिहार पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई जो है इसमें राइट नहीं है कि वो इस केस की छानबीन कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग छानबीन करने के लिए मुंबई आ गए। वहीं अगर हम दूसरी यहाँ पर बात करें जो कि कानूनी फैक्ट है, जो कि सवाल उठाए जा रहे हैं मुंबई पुलिस के तरफ खिलाफ और जो बिहार की पुलिस है वो उठा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार उठा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उठा रहे हैं कि आखिर अभी तक मुंबई पुलिस ने एक भी FIR दर्ज क्यों नहीं की है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऐसे कि कोई भी मामला होता है जिसमें सुसाइड का जो है एंगल होता है, सुसाइड जो है रिपोर्ट बता रही होती है, उसमें शुरुआती में जो है कोई भी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। शुरुआती जांच के लिए एक धारा होती है जिसके तहत इस सब को जांच बूझ किया जाता है, जिसके अंतर्गत मुंबई में फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत केस की जाँच हो रही है। उसके बाद जो है अगर वैसे कुछ सबूत मिले तो बाद में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, किसी के खिलाफ FIR होती है। लेकिन अभी बिहार पुलिस में जो बात ये कह रही है कि FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, ये जो है बिल्कुल नहीं होती है, ये जो है संभव कानून संभव नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कानून की बात है, ये कानूनी बात है तो ये बिहार पुलिस भी जानती होगी, तो आखिर ऐसे बात क्यों हो रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, पुलिस कम बोल रहे हैं, राजनेताओं ज़्यादा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले है उसको जो है राजनीतिक रंग दे दिया गया है। अब इसके पीछे के कारण जो भी हो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार विधानसभा का एक दिन का सत्र होता है, उसमें जो है किसी मुद्दे पर बात नहीं होती है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर बात होती है। उसमें ना ही तो कोरोना की बात होती है, ना ही तो बाढ़ की बात होती है, ना ही तो जो और अन्य वहाँ पर जो समस्या है, जो मुद्दा है, किसी पर बात नहीं होते, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ही उठाते हैं। तो इससे भी बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इसको जो है राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है,
ये बिहार के तरफ से महाराष्ट्र के सरकार पर, महाराष्ट्र के सरकार के तौर से बिहार पर जो है आरोप लगाया जा रहा है। इसमें मुंबई पुलिस का साफ कहना आया है, मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने कानूनी सलाह ली है, कानूनी सलाह से हमें पता चला है कि ये बिहार पुलिस के क्षेत्र अधिकार के बाहर है, बिहार पुलिस इसमें जाँच नहीं कर सकती है, उनके पास कोई अगर FIR हुई है तो उसको 0 FIR करके हमारे पास ट्रांसफ़र कर दे वो। वहीं अगर हम एक और बात करें, इसमें CBI जांच की मांग बहुत दिनों से हो रही है कि CBI जांच होना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए, तो आप लोगों को पता होगा कि CBI जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई थी जिसके 3 बेंचों की जज ने जो है सुनी थी, यानी कि 3 जजों के बेंच ने सुनी थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे। और आप सभी को बता दूं कि उस याचिका को PIL को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मुंबई पुलिस इसका जांच कर रही है और उनका अपना काम करने दीजिए, तो ये बात मुंबई पुलिस की ओर से आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी CBI जांच की मांग होती रही है, CBI जांच की मांग हो रही है और जो है कहीं ना कहीं अभी जो है इसको कानूनी तहत से इसको सुलझाने की बजाय राजनीतिक तौर पे और उलझाने की कोशिश हो रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अभी यथास्थिति में जो है बिहार पुलिस के पास कोई भी अधिकार नहीं है। साथ ही साथ जो मुंबई पुलिस है उसने बिहार पुलिस पर यह भी एक गंभीर आरोप लगाया है कि जो अभी कोरोना काल में जो गाइडलाइंस चल रही है उसका भी बिहार पुलिस ने उल्लंघन किया है, ये कहना है मुंबई पुलिस का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब पहले बिहार से पुलिस मुंबई आए थे तब उन लोगों ने कहा था कि हमें सिर्फ 2-3 दिन रहना है, लेकिन वो लोग अभी तक डटे हुए हैं जिसके कारण से उन लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही बिहार के एक IPS ऑफिसर आए तो उनसे भी पूछा गया कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, तो उन्होंने 7 दिन से ज़्यादा का वक्त कहा, जो कि गाइडलाइंस में उल्लेख है कि अगर कोई 7 दिन से ज़्यादा रहना चाहते हैं तो उनको जो है पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, तो उनको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने हो चुकी है, इसमें राजनीतिक लड़ाई भी हो रही है जिसमें बिहार सरकार और मुंबई सरकार आमने सामने है। लेकिन अगर इसकी तथ्यों की बात करें, इसके अनुसंधान की बात करें, तो मुंबई पुलिस 57 लोगों से ज़्यादा से पूछताछ कर चुकी है, उनका बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। वही बिहार पुलिस जैसे ही मुंबई आई है तो उन लोगों ने भी कई लोगों से पूछताछ की है और बिहार पुलिस लगातार रिया चक्रवर्ती को तलाश रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने घर पर नहीं है, वो बिहार पुलिस के संपर्क में नहीं आ पाई है। वहीं जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले, उनके फ्लैट में रहने वाले एक उनके दोस्त है, उन्होंने ये भी बयान दिया है, मुंबई पुलिस को ईमेल लिखकर कहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार है उन पर दबाव बना रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गवाही दे, तो ये मामला भी अब आगे आ रहा है। वहीं जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर्स हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से सारे पैसे अपने और अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है। वहीं अगर हम अन्य बड़ी बातों की बात करें तो बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के आमने सामने होने के बीच में अब जो है जाँच तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी दोनों ही पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं उसमें भी इस बात का साफ जिक्र है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो सुसाइड की है। जो रिपोर्ट आई है वो सुसाइड रिपोर्ट कह रही है कि उसमें सुसाइड हुआ है। तो अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की लंबित है, वहाँ पर भी फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट भी जल्द ही इस पर अपना फैसला सुनाएगा, तो फैसला किसके पक्ष में जाता है, कौन इस पर जांच करेगा, बिहार पुलिस जांच करेगा, मुंबई पुलिस जांच करेगा, CBI जांच करेगा, या फिर दोनों बिहार और मुंबई पुलिस साथ एक टीम बनाकर जांच करेंगे, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जाएगा, इस पर भी जवाब दिया जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो सुशांत सिंह राजपूत केस अब धीरे धीरे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो इस पर जैसे ही आगे कुछ अपडेट आएंगे हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तब तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको सटीक विश्लेषण और पूरी जानकारी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, बने रहे AM नेटवर्क पर। नमस्कार, धन्यवाद।